बंदिश का माने है रुकावट। किसी चीज में रुकावट पैदा करने को बंदिश कहा जाता है, और ये भी शयातीन के जरिए से मुख्तलिफ तरह की रुकावटें खड़ी की जाती है, उसी को बंदिश कहा जाता है। चाहे ये बंदिश तिजारत और कारोबार के ताल्लुक से हो, दुकान और मकान में खैर और बरकत के ताल्लुक से हो, मियाँ और बीवी के दरमियान रुकावट डालना हो, दोस्त अहबाब के दरमियान रुकावट खड़े करना हो, ये सारी बंदिशों में दाखिल है, इसी को रुकावट कहा जाता है। الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج وما هم بضارين به من احد الا باذن الله। حضرات گرامی, جادو جنات کی حقیقت اور علاج کے تعلق سے باتیں چل رہی ہیں۔ سلسلہ وار دروس میں جادو کی اقسام, اس کی علامات اور علاج کے تعلق سے آخری دو کڑیوں میں ہم معلوم کریں گے कि मुख्तलिफ तरह की बंदिश क्या क्या हैं, उसकी अलामतें और इलाज क्या है। बंदिश का माने है रुकावट। किसी चीज में रुकावट पैदा करने को बंदिश कहा जाता है, और ये भी शयातीन के जरिए से मुख्तलिफ तरह की रुकावटें खड़ी की जाती है, उसी को बंदिश कहा जाता है। चाहे ये बंदिश तिजारत और कारोबार के ताल्लुक से हो, दुकान और मकान में खैर और बरकत के ताल्लुक से हो, मियाँ और बीवी के दरमियान रुकावट डालना हो, दोस्त अहबाब के दरमियान रुकावट खड़े करना हो, ये सारी बंदिशों में दाखिल है, इसी को रुकावट कहा जाता है। तो पहली बंदिश जो इंसान के और उसके बीवी के दरमियान रुकावट खड़े करने के लिए होता है, और ये जो बंदिश है या ये जो जादू है, ये जो रुकावट है, उसकी कई शक्लें होती हैं। या तो मियाँ बीबी में लड़ाई झगड़े होते रहना, एक दूसरे की सूरतें नागवार हो, नापसंदीदा हो, एक दूसरे को देखने की तबीयत ना करें, देखते ही चिड़चिड़ापन पैदा हो, बात छोटी छोटी बातों में आपस में गुस्सा और झगड़ा और नौबत बहुत दूर तक चली जाए। और उसकी शक्ल ये भी हो सकती है कि मियाँ बीवी के जो इज्तिवाजी मरासिम हैं उसमें रुकावट खड़े कर दें, यानी उसको जिमा से रोक दिया जाए या उस काम से उसको परेशान किया जाए, उसमें बंदिश और रुकावट डाली जाए। सूरह बकरा की आयत नंबर 102 जो कि मैंने शुरू में पढ़ी है, हारूत और मारूत के वाकये में जादू की तारीख और उसके आगाज के ताल्लुक से अल्लाह ने बयान किया कि बनी इसराइल ने यह काम शुरू किया। तो जादू में जो चीजें होती हैं उनकी हकीकत, उसकी हकीकतों में से एक बात यह भी है, वयतअल्लमूना मिनहुमा, और हारूत और मारूत से ये लोग ऐसी चीज सीखते हैं, मा युफर्रिकूना बिही बैनल मर्रि वज़्ज़ौजी, जो मियाँ बीवी के दरमियान रुकावट और बंदिश खड़ी कर दे। और रुकावट की शक्लें क्या है, क्या क्या हो सकती है, मैंने आपके सामने अभी अर्ज किया है।
चुनांचे सबसे अहम चीज होती है कि बंदिशे जिमा या जादू के जरिए से मियां बीवी को आपस में एक दूसरे से अपनी जिनसी जरूरत पूरी करने से रोका जाए। और इसकी कई शक्लें हो सकती है। एक तो इस काम में उसको दिल ना लगे, इसके लिए उसके तबीयत ना चाहे, या कभी तबीयत आमादा होती है लेकिन आइन वक्त में या तो वक्त से पहले इंजाल हो जाता है, या वक्त से पहले ही अज़्व तनासुल जो है कमज़ोर पड़ जाए, मान पड़ जाए। कई इसकी शक्लें और रुकावटें हो सकती है। ये मर्दों के तय, औरतों के तय भी ये चीज़ें हो सकती है कि उनकी ख़ास जगहों में कोई बीमारी परेशानी आ जाए, कि उनको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जिसकी वजह से तकलीफ़ हो, या मुसलसल ब्लीडिंग हो जिसकी वजह से तकलीफ़ हो, रुकावट हो, या कोई गोश्त उभर आए जिसकी वजह से शौहर के लिए काम करना मुश्किल हो जाए। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, एक लफ्ज़ में रुकावट और बंदिश। एक होता है कि मर्ज, कि आदमी गलतकारी की वजह से या किसी और वजह से या तो नामर्द है या औरत के अंदर बच्चा पैदा करने की सलाहियत और काबिलियत नहीं है। बीमारी भी हो सकती है और बंदिश और रुकावट भी हो सकती है। दोनों में फर्क कैसे महसूस करेंगे उसके लिए याद रखिए कि आदमी के अंदर अगर बीमारी हो तो हर वक्त वो इससे आजिज होगा, नहीं कभी इस काम के लिए वो तैयार हो ही नहीं सकता है और ना ही औरत कभी इसके लिए तैयार हो सकती है। लेकिन अगर रुकावट और बंदिश वाली जादू वाली बात है तो याद रखिए मियां बीवी दूर हो तो जाहिर सी बात है दोनों में ये चाहत, ये ख्वाहिश हो, लेकिन जब करीब आए और आने के बाद इस काम के लिए तैयार हो, आमादा हो, अचानक जो है तबीयत साथ ना दे, अचानक जो है मान पड़ जाए, तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसमें है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसके अंदर है, तो इसके लिए इलाज कराना चाहिए। तो ये हुआ एक जादू की कसम जिसको बंदिश कहा जाता है। और यही चीज घर बार के लिए और किसी काम के रुकावट के लिए जिस्मानी बंदिश भी हो सकती है, और बसावकात ये चीज बांझपन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि बांझपन है या तो मर्द के अंदर हो या औरत के अंदर हो, ये जो बांझपन है, ये ला औलाद वाली बात है या जिमा से बंदिश वाली बातें, सब इसी से रिलेटेड हैं। और इसकी वजह से बड़े मसाइल खड़े होते हैं। ख्वातीन में भी आजकल बहुत सारे ऐसे मसाइल देखे जा रहे हैं जिनकी वजह से वो शौहर को खुश नहीं रख सकती है और बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं हो सकती है। ये सब मसाइल खड़े होते हैं। तो इलाज के बाद अगर मेडिकली कुछ समझ में ना आए तो समझ लेना कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसके सही माने में इलाज होना चाहिए। अब इसके इलाज क्या क्या हैं बंदिश के लिए, चाहे वो किसी भी तरह की बंदिश हो, तो उसके लिए इलाज यही है जो कुरानी आयतें हैं, रुकिये की आयतें, उनको पढ़ें मुसलसल, उनको पढ़ा जाए। और अगर कोई चीज़ उसके अंदर है, सहर का असर है, तो 7 दिन तक 7 बेर के पत्ते रोज़ाना, 7 बेर के पत्ते जो ताज़ा हो, कौले हो, ताकि उसको पीस के पी भी सकें, 7 ले लें, उस पर कुरानी आयतें, रुकिये की आयतें दम करें, जो दुआएं हैं वो दम करें। दम करने के बाद उसमें से उसको पीसे, पीसने के बाद पानी में मिलाएं, पानी में मिलाने के बाद थोड़ा सा पानी पी लें, और बाकी पानी से गुसुल कर लें। ये काम, यानी तो 6 पत्ते से गुसुल करें, 1 पत्ता घोल के पी लें, ऐसे भी हो सकता है। बेहतरीन मुजर्रब इलाज हैं जादू जिन्नात के असरात को ख़त्म करने के लिए। और जादू के असरात, किसी ने कुछ खिला पिला दिया है, अंदर है, उसको दूर करने के लिए, रुकावट और बंदिश के लिए बेहतरीन इलाज है, इसको किया जाए। इस पर 7 दिन मुसलसल अमल करें, 7 दिन इस पर मुसलसल अमल करें, 7 पत्ते 7 दिन, बहुत मुफीद इलाज हैं।
और अगर बंदिश किसी चीज में करके हैं, जैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ, तो रुकावट, बंदिश, जादू सब एक ही चीज है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के बाल लेकर उसमें 11 घाटी लगाकर फिर उसको एक बत्ती के मोम का एक पुतला बना के उसके अंदर रख के फिर उस मोम को 11 सुई चुबा के एक संदूक में बंद करके मदीने के एक बाग, पुराने बाग में, पुराने कुएं में ले जाके डाल दिया, पुराना कुआं, कोई जाएगा नहीं। ये भी एक बंदिश है, नबी को ऐसे जादू किया गया। तो सबसे बेहतरीन कारगर इलाज यही है कि उस चीज के वजूद को खत्म कर दिया जाए। नबी को पता चला, बताया गया ख्वाब में, तो नबी ने सहाबा इकराम को भेजा और वहां से उसको निकाल लाया गया। निकाल लाने के बाद एक एक आयत पढ़ते गए, एक एक गिरा खोलते गए, पूरी तरह से उसको खत्म कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से जादू और बंदिश खत्म हो गई। कभी यह चीज मुसलसल रुकिए के जरिए से भी होती है, यानी उसको रुकिए के जरिए से जलाया जाता है, रुकिए के जरिए से उसको खत्म कर दिया जाता है। या कभी आप ऐसा करें कि नहार पेट रुकिए का पानी इतना पिए, इतना पिए, या वो जो बेर का पत्ता मिला हुआ पानी इतना पिए, इतना पिए कि आपको कय आने लगे और कय हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए। बहुत अच्छी बात है कि वॉमिटिंग होने से ये सारे असरात बाहर से निकल जाते हैं। तो एक अच्छा इलाज है। और साथ ही साथ जैतून का तेल सोते वक्त उसको दम करें, दम करने के बाद तलवे वगैरह में, पैर के तलवे में मालिश करते रहें। और शहद का इस्तेमाल, कलौंजी का इस्तेमाल, अजवा खजूर का इस्तेमाल, ये सब मुफीद हैं। तो रुकिए के साथ साथ ऐसे कुछ मादी इलाज भी करते रहें। और ख़ास तौर से अगर जिस्मानी एतबार से मियाँ बीवी के लिए रुकावट खड़ी हो रही है, मियाँ बीवी के आपसी ताल्लुकात कायम करने में कुछ रुकावटें हैं, तो इस सिलसिले में शहद का इस्तेमाल बहुत मुफीद है, कलौंजी का इस्तेमाल बहुत मुफीद होता है। और साथ ही साथ आदमी जहनी तौर पर बहुत बाहिम्मत रहें, हौसला मंद रहें, परेशान ना हो, क्योंकि जहनी तौर पर आदमी जितना टूट जाएगा तो जाहिर सी बात है जिस्मानी एतबार से भी उतना टूट जाता है। तो ज़हनी एतबार से मजबूत होना चाहिए। तो और ज़हनी एतबार से उतना ही आप मजबूत हो सकते हैं जब आपका ईमान, अकीदा मजबूत हो, आप सौम सलात के पाबंद हो, दुआ अस्कार की आप एहतमाम किया करें, तो इंशाल्लाह हिम्मत आएगी। और शैतान के सारे मकरो फरेब ईमानदार के मुकाबले में कमज़ोर है। इन्ना कैद शैतान का न दईफा, शैतान के मकरो फरेब कमज़ोर ही है। तो इंशाल्लाह ईमानदारों के सामने, अल्लाह के कलाम के सामने, दुआ अस्कार इबादतों के सामने ये टिक नहीं सकता है, बशर्ते कि हम अमल पैरा हो। दुआ कीजिए रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको जादू जिन्नात बंदिश रुकावटों से महफूज रखें, और अल्लाह तबारक तआला सबको इत्मीनान और सुकून की ज़िंदगी नसीब फरमाए। आमीन। सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद।